नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ प्रतिभा और छत्तीसगढ़ी रसोई में आपका स्वागत है। आज हम लोग आए हैं अपने गांव में पितर मिलान के लिए बड़ा भात खाने। साथ ही आपको यह भी बताऊंगी कि इस कोरोना काल में हम लोग क्यों आए हैं और हमारा घर क्यों टूट गया गांव का और हम यहां क्यों नहीं आ पाएंगे। तो जानने के लिए वीडियो को पूरा देखते रहिए, ये एक भावनात्मक विषय भी है तो इसे जानना भी आपके लिए एक अच्छी जानकारी के रूप में श्रेयस्कर रहेगा। हमारी सबसे बड़ी वाली सास की पितर मिलान के लिए हम लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। कोरोना के कारण बहुत कम लोग यहाँ पर आए हैं, केवल घर के लोग ही यहाँ पर हैं। ऐसा माना जाता है पितृपक्ष में सभी पितरों का पृथ्वीलोक में आगमन होता है, अतः श्राद्ध में अपने पितरों की संतुष्टि के लिए एवं उनका शुभ आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए प्रत्येक मनुष्य को श्राद्ध अवश्य करना चाहिए। आज नवमी तिथि है और नवमी तिथि के दिन महिलाओं का श्राद्ध किया जाता है। जब तक मिलन नहीं किया जाता तब तक मृत प्राणी अपने पूर्वजों से नहीं मिल सकता, अतः मृतक को श्राद्ध द्वारा पिता में, पितामह में, फिर प्रपितामह में मिलन कराया जाता है। हमारे किसी भी शुभ कार्य में सबसे पहले पितरों की पूजा होती है। इसका कारण भी है, पितरों की आशा केवल अपने परिवार से होती है, बाकी किसी दुनिया से नहीं होती। अतः जिस परिवार में पितृ खुश रहते हैं वे सदा उन्नति करते हैं। ऐसा माना जाता है जो मृत आत्माएं हैं वे वहीं पर घर पर मौजूद रहती हैं और इधर उधर भटकती रहती हैं, देखती हैं कि उनकी अर्जन की हुई चीज़ों का उपयोग किस प्रकार से हो रहा है, उनकी आने वाली पीढ़ी उनको याद करती है या नहीं। इस बात से उन्हें खुशी मिलती है और कई बार उन्हें कष्ट भी होता है जिसके कारण से परिवार को दुख भी झेलना पड़ जाता है। पितृ ऋण तो कभी चुकाया नहीं जा सकता, लेकिन कहा जाता है शास्त्रों में कि अगर उनको पितरों से मिलान करा दिया जाता है और बाद में उनका जब भी गया जाए तो उनका श्राद्ध कर दिया जाता है तो इससे ऋण हुआ जा सकता है। इस दिन जो भी भोजन बनता है उसे पितरों के लिए निकाल दिया जाता है और साथ में एक पानी का ग्लास भी रख दिया जाता है दक्षिण दिशा की ओर मुख करके। ये एक प्रकार से उनके लिए एक सम्मान का भाव है। अब मैं आपको बताती हूँ कि हमारा घर क्यों टूट रहा है, हमारे गांव का क्यों उजाड़ हो रहा है। हमारे गांव के सारे घर टूट जाएंगे धीरे धीरे करके और हमारा घर जो है वो 4 साल पहले ही टूट चुका है। क्यों टूटा है इसका कारण भी है, क्योंकि हम लोग गेवरा प्रोजेक्ट के अंदर आते हैं। गेवरा माइंस जो एशिया की सबसे बड़ी माइंस है, हमारा गांव उसी में निकल रहा है। धारा 4 का प्रकाशन हो चुका है। अपना घर टूटने का तकलीफ तो हम लोग झेल ही चुके हैं। ये हमारे जेठ जेठानी का घर है और यहाँ पर उनकी भावनात्मक जो भावनाएं हैं वो जुड़ी हुई हैं। उन्होंने कहा कि हमर केला लभी खींच ले, हमर नींबू लभी खींच ले प्रतिभा, देख तो कतका कन फरे है। तो इसीलिए मैं यहाँ पर थोड़ा सा आंगनबाड़ी का भी फ़ोटो ले रही हूँ कि उनको लग रहा है कि टूटने से पहले उनके घर का फ़ोटो लिया जा रहा है तो उनको अच्छा लग रहा है। वीडियो की स्टार्टिंग में मैंने आपसे कहा था कि हम इतने कोरोना के संक्रमण के बावजूद यहाँ पर क्यों आए हैं, तो उसका उत्तर यही है कि अब जो कुछ बचे खुचे घर हैं वो भी धीरे धीरे करके टूट जाएंगे। शायद यहाँ पर आना हमारे लिए आखिरी बार हो सकता है, क्योंकि हमारा खुद का घर तो यहाँ पर टूट ही चुका है और यहाँ पर कुछ काम धाम होता है, शादी ब्याह या फिर कुछ इस तरीके का कार्यक्रम होते हैं तो इसमें हम लोग पहुँचते हैं और अब ये सब होना भी थोड़ा सा लुप्तप्राय होता जा रहा है। यहाँ पे कुछ भी होता है तो बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ रहती है, लेकिन आज बहुत ही कम भीड़ है, केवल घर के लोग ही यहाँ पर हैं। यहाँ की आंगनबाड़ी, यहाँ की हवा बहुत ही शुद्ध स्वच्छ है, मन को मोह लेने वाली है। और ये नींबू तो इतने सुंदर फले हुए हैं, इन्हें देखकर ऐसा लगता है कि अभी खा लें। इन नींबुओं की खुशबू, इसमें भर भर के रस भरा हुआ है, इनका अचार कितना अच्छा लगता है। चलिए अब मैं दिखाती हूँ कि हमारा घर कहाँ पर था। ये थोड़ा सा आगे एक घर छोड़ के अगली वाली बाउंड्री हमारा घर था। अब वहाँ पर ऐसा लग ही नहीं रहा है कि कुछ था भी वहाँ पर, इतनी सारे झाड़ पेड़ पौधे उग चुके हैं। पर बाड़ी अभी भी है, मैं वहाँ तक ले जाऊँगी। अभी चलते हैं ये वाले घर में, हमारे पड़ोस का घर है। देखिए इसका आंगन कितना बड़ा है और ये लोग भी चले जाएंगे अब।
सबका घर टूटने पर सबको कितनी परेशानी हो रही है, यहाँ पर मुआवजा और बसाहट लेने में लोगों को कितनी दिक्कतें आ रही हैं सारे पेपर्स तैयार करने में, और अपना घर एक बार टूटने के बाद उसे दोबारा संजोना बहुत ही मुश्किल काम है। हम लोग तो चलो थोड़ी अच्छी स्थिति में हैं, इसलिए हमने कहीं और पे, हमारे पूरे परिवार ने कहीं और पे घर बना लिया है, लेकिन जिनको नौकरी भी नहीं मिली, जिनका ज़मीन कम था उनको छोड़कर जाना पड़ा, उनके लिए बहुत बड़ी मुसीबत हो गई है, और इस कोरोना में तो और भी ज़्यादा उनके लिए मुसीबत हो गई है, क्योंकि घर तोड़ने के बाद ही यहाँ पर मुआवजा दिया जाता है और बसाहट भी नहीं दिया जाता, और अगर दिया भी जाता है तो वहाँ इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती, बिजली पानी की मूलभूत सुविधाएँ नहीं होती, तो कोई कैसे जाकर वहाँ पर रह सकता है, आप सोच सकते हैं। देखिए यहाँ पर कितने सारे कुएँ हैं, अगर कोई अनजान व्यक्ति आए तो इन कुओं में गिर भी सकता है, लेकिन हमें पता है कि यहाँ पर किसका किसके घर में कितने सारे कुएँ हैं। चलिए थोड़े से नींबू ही तोड़ लेते हैं। अब जिस घर में मैं ले जाने वाली हूँ वह तो पूरा आधुनिक था, पूरी सारी फैसिलिटीज़ थी वहाँ पे, इलेक्ट्रिसिटी, पानी, पंप, बोर सब कुछ था यहाँ पर, टाइल्स वाला घर था, ऐसा लगता ही नहीं था कि ये गांव का घर है। और ये जो मैं पत्ते तोड़ रही हूँ ये हमारे घर के आंगन का पत्ता है, यहाँ पर कुआं है और यहाँ पर थोड़ा सा आगे जाने पर एक और कुआं है, ये देखिए ये है हमारी बाड़ी, ये बांस की पेड़, यहाँ से हमने कितने करील खाए हैं, बांस के पौधे लगाए थे, सारे गेवरा खदान में मिल जाएंगे, यहाँ से कोयला निकाल लिया जाएगा और प्रशासन इसको पाट कर फिर से, जो ज़मीनें हमारी हैं वो तो हमारी ही रहेंगी, लेकिन इसे प्रशासन पूरी तरह से पाटता नहीं है, उसे वापस नहीं कर पाता है, फिर से उसका चिन्हांकन करके, सीधी सी बात है टॉप साइल को बनने में 100 साल का समय लगता है, और खाद्यान्न संकट आना निश्चित है, क्योंकि यहाँ पर जो खेती होती है वो तो सारा नष्ट हो ही जाएगा। खदान से कोयला निकालने के बाद ऐसा प्रावधान है कि उन्हें पाट कर इसे ज़मीन को बराबर करके देना चाहिए और टॉप सॉइल जो होती है उसे फिर से उसको ऊपर में लगा देना चाहिए, लेकिन ऐसा ज़मीनी स्तर पर होता नहीं है, कई गांव उजड़ चुके हैं। जो लोग भी इस वीडियो को देख रहे हैं और हमारी मदद करना चाहते हैं, जैसे कि घरों को तोड़ने से पहले मूलभूत सुविधाओं के साथ, बिजली पानी और सड़क की सुविधा के साथ बसाहट दिया जाना, और हमारी ज़मीनों को पाट कर वापस उसे हमें आवंटित किया जाए, RTI फाइल करनी हो, या फिर कोई भी कानूनी प्रावधान को लागू करवाने के लिए हमें कानूनी सहायता की मदद करनी हो, तो इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। गांव के भोले भाले किसान तो इस बात से भी अनभिज्ञ हैं कि खदान में विलय होने के बाद भी ज़मीनें हमारी ही हैं और इन्हें प्रशासन को वापस पाट कर लौटाना है। तो चलिए चलते हैं एक नई आशा और उम्मीद के साथ कि प्रशासन सबकी ज़मीनें टॉप सॉइल के साथ वापस कर दे और यहाँ पर फिर से गांव बस जाए, सबके घर बन जाए। घरों को खाली करना लोगों की मजबूरी बन चुकी है, क्योंकि ब्लास्टिंग की आवाज़ें और भूकंपन से लोग परेशान हो रहे हैं, कहीं भी भूस्खलन हो रहा है। आने वाले भविष्य में खाद्यान्न संकट से निपटने के लिए प्रशासन को इसको पाट कर देना अत्यंत आवश्यक है। वीडियो पूरी देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।